वैसे तो जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हम तारों और ग्रहों को एक छोटे से कण के बराबर मानकर ही चलते हैं, पर वास्तव में हम खुद ही इतने छोटे हैं कि यह जो तारे और ग्रह जो हमारे ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण के बराबर हैं, वे ही आकार में इतने बड़े हैं कि हमारी कल्पना को भी मात दे दें। हमारा ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं, जहां सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण, सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है और हो सकता है यह अनंत हो। भागदौड़ भरी लाइफ में इंसान के पास कुछ भी सोचने का समय नहीं है। हमारा दिन रात काम करते और इधर उधर भागते निकल जाता है और रात को थक कर सो जाते हैं। फिर सुबह से वही सब चलता रहता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन सब के चक्कर में हम उन चीजों को भूल रहे हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं। इन्हीं चीजों में है हमारा सूर्य, जो कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य हमें रोशनी देता है, साथ ही यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। सूर्य अपनी रोशनी पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को भी देता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह और 166 उपग्रह, कई धूमकेतु और उल्का पिंड हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि इन सभी को मिला दिया जाए तो भी यह सूर्य के बराबर नहीं हो सकते। सूर्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी ने हमें जीवन दिया है और हमारी सारी दिनचर्या इसी पर निर्भर है। अगर सिर्फ एक दिन सूरज अपनी ऊर्जा देना बंद कर दे तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी और जीवन खत्म हो जाएगा। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल इकट्ठे हुए। किसी बल के कारण यह बादल एक दूसरे से जुड़ने लगे और सिकुड़ने लगे, जिससे यह ठोस होते गए और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की क्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। ऐसे हमारे सूर्य का जन्म हुआ, जो एक विशालकाय स्टार है। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर्य मंडल का जन्म हुआ। सूर्य में 74% हाइड्रोजन
24% हीलियम और 2% अन्य तत्व मौजूद हैं। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेता है। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि हर बॉस का एक और बॉस होता है। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह अगर सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो सूर्य भी इन सभी ग्रहों को साथ में लेकर ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। हमारे विशालकाय ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार्स हैं। रात में हमें जो तारे दिखाई देते हैं वो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव इनके आगे कुछ भी नहीं। हमारी सोच यह कहती है कि इन सब को व्यवस्थित चलाने में किसी शक्ति का हाथ हो सकता है, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी। जिसके बाद लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। ये एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी। कुछ था तो बस कभी न खत्म होने वाला उबलता लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया था धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज्यादा है। कई ट्रिलियन कचड़ा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया।
हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा होकर धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। इस चक्कर से हमारा चांद बना। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4,00,000 किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे।